अध्यक्ष शिवानंद तिवारी की बात का असर जेडीयू नेताओं पर हुआ है। जेडीयू के दिग्गज नेता पवन वर्मा के बयान से तो यही लग रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं और उनकी अच्छी भूमिका केंद्र में हो सकती है। क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या जेडीयू नीतीश को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में जुटी है? क्या शिवानंद तिवारी की बात से सहमत है जेडीयू? अभी कुछ दिन पहले ही आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए पीएम मटेरियल कहा, और अब उनकी बात से लगता है जेडीयू भी सहमत है। तभी तो जेडीयू के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि नीतीश की काबिलियत केंद्र की राजनीति करने की है, कि नीतीश कुमार जी में वो सारी खूबियां हैं जिससे वो एक अहम किरदार राष्ट्रपटल पर अदा कर सकते हैं। तो क्या जेडीयू अब दूसरी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? क्या नीतीश की नजरें दिल्ली की राजनीति की तरफ हैं और 2024 में वो इसे पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से विरोधी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि आगे की राजनीति में कुछ दिलचस्प होने वाला है। जानते हैं पोटेंशियलिटी, माने आज से 30 बरस 40 बरस पहले हमारे दिमाग में बात थी कि हाँ भाई नीतीश जो है वो एक दिन प्रधानमंत्री देश का बनेगा। उस एथी से जानते हैं प्रधानमंत्री बनेगा सिर्फ इसलिए नहीं कि माने एक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएगा, एक राजनीति की बात की, एक राजनीति के तहत जो है बनेगा। आज मौका है इसका, एकदम शून्यता है। जिस भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं उस भूमिका से भागना, उस जवाबदेही से भागना, उस ऐतिहासिक रोल को कबूल नहीं करना, ये तो ठीक बात नहीं है। अगर नीतीश की नजरें केंद्र पर टिकी हुई हैं, तो इसके लिए उन्हें कोई बड़ी पहल करनी होगी, जिसकी शुरुआत अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।